नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल बी एस ए ट्रिकी क्लासेस में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक करंट अफेयर का है, तो बात करते हैं हम लोग आज की करंट अफेयर की। तो इसमें हमारी नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर है। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के खिलाफ पहले मैच में उतरने के साथ इंग्लैंड टीम क्रिकेट इतिहास में कितने टेस्ट मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई है। तो इसका राइट आंसर है 1000 टेस्ट मैच। तो भारत के खिलाफ बुधवार को हुए पहले मैच में उतरने के साथ इंग्लैंड टीम क्रिकेट इतिहास में 1000 टेस्ट मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई है। तो इसके कितने टेस्ट मैच? 1000 टेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी बीमा कंपनी LIC को सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक में 51% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। तो इसका राइट आंसर है IDBI बैंक। तो केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी बीमा कंपनी LIC को सार्वजनिक क्षेत्र के IDBI बैंक में 51% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है, और जिससे इस बैंक में सरकारी घटकर करीब 45% ही रह जाएगी। ठीक है, तो बैंक में सरकारी हिस्सेदारी घटकर अब करीब 45% तक रह जाएगी। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर थर्ड की, कि हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने अगस्त 2018 को कितने सांसदों को उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इसका आपका राइट आंसर है 5। तो कुल 5 सांसदों को इन्होंने उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो राष्ट्रपति कोविंद ने BJD सांसद भ्रातृहरि मेहताब को 2017 और TMC सांसद दिनेश त्रिवेदी को 2016 के उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमारा ये है कि किस देश में भारी विरोध प्रदर्शन के बीच सार्वजनिक स्थानों पर बुरखा समेत पूरा चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर पाबंदी का कानून 1 अगस्त 2018 से लागू हो गया। तो वो कौन सा देश है? तो वो है आपका डेनमार्क। तो डेनमार्क में भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सार्वजनिक स्थानों पर बुरखा समेत पूरा चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर पाबंदी लगा दी गई है, और यह कानून हमारा 1 अगस्त 2018 से वहाँ पर यानी कि डेनमार्क में लागू हो गया है। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है, अमेरिकी सांसद ने राष्ट्रीय रक्षा विधेयक 2019 पारित कर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन यानी कि CAATS एक्ट के तहत रूसी रक्षा उपकरणों की खरीदारी पर किस देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रावधान में ढील दे दी है। तो ये राइट आंसर इसका भारत। अब क्या हुआ है, अमेरिकी सांसद ने राष्ट्रीय रक्षा विधेयक 2019 में पारित कर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन यानी कि CAATS एक्ट के तहत रूसी रक्षा उपकरणों की खरीदारी पर भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रावधानों में ढील दे दी है। यानी कि हम लोग रूस से हथियार या हम लोग अपने वहाँ से खरीद सकते हैं, जो भी मेटल्स खरीदते होते हैं युद्ध के लिए, जो भी हमें सामान की ज़रूरत पड़ती है वो हम लोग वहाँ से ले सकते हैं। तो इस मामले में अब अमेरिका बीच में हाथ नहीं डालेगा। बात करते हैं आज के हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन की। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में अभी भारत सरकार ने किस देश के साथ सतत शहरी विकास हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसका राइट आंसर है जर्मनी। तो भारत और जर्मनी ने वित्तीय और तकनीकी सहयोग हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में शहरी विकास पर प्रमुखता से जोर देना, तो शहरी विकास की प्रमुखता पर जोर दिया गया है इस हस्ताक्षर के तहत। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर सेवेंथ की। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस अधिनियम में संशोधन किए जाने के लिए मंजूरी प्रदान की है। तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है ST और SC एक्ट पर मंजूरी दी है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अगस्त 2018 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो कि अत्याचारक निरोधक है, इस अधिनियम में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर एट्थ की। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट्थ की। इसमें आपका है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस भर्ती बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। तो राइट आंसर आपका कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड यानी कि ASRB, ठीक है, ASRB यानी कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी है।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन ओवर सेवा का पोर्टल लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन ओवर सेवा का पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, पेंशन भोगियों को ऑनलाइन पेंशन और भुगतान से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है इसका दीपक उप्रेती। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के रूप में दीपक उप्रेती को नियुक्त किया गया है। दीपक ने 1986 बैच के ये IAS अधिकारी है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आप लोगों से एक नई करंट अफेयर के साथ। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।